हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी डिविटी वेट ट्रूथ एक्सपोजेस डार्कनेस तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके लाइफ में कौन आने वाले हैं जो आपके लाइफ में फुल टर्म कमिटमेंट देंगे ठीक है कौन आपके लाइफ में परमानेंट आने वाले हैं बी अ टाइमलेस रीडिंग जेंडर न्यूट्रल रीडिंग मेल फीमेल सभी के लिए है तो आप इसको कभी भी देख सकते हो एंजॉय कर सकते हो आज हम चांस का भी यूज करेंगे एज वेल एज इनिशियल्स का भी यूज करेंगे ओके सो वट वी कैन डू इज दैट हम देख लेते हैं कि इंसान कौन है इनके बारे में हम और कुछ जानने की कोशिश करेंगे और आपका भी एनर्जी हम थोड़ा बहुत रीड करने की कोशिश करेंगे ओके ताकि आपकी आपको पता चले कि ये रीडिंग आप ही का है चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें इंस्टाग्राम में फॉलो करें इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ रहेगा यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है इफ यू फील यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब नाउ ये जो रीडिंग होगा ये हमेशा मैं बोलती रहती हूँ दिस इज फॉर मेल फीमेल सभी के लिए है फ्यूचर पर्सन के लिए आप देख रहे हो सो ऑफ कोर्स ये कंसर्न है फॉर बोथ द जेंडर्स एंड डेफिनेटली यहाँ पे फॉर सेम सेक्स रिलेशनशिप भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो एंड वी विल लास्ट में हम देखेंगे उनके बारे में हम और भी डिटेल्स को देखने की हमेशा ही जिस तरह से हम कोशिश करते हैं हम उसी तरह से और भी कोशिश करते रहेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिले मेन मकसद जो है चैनल का वो है आपको क्लैरिटी देना ओके सो लेट्स स्टार्ट इट गाइज और आप प्लीज पॉजिटिव रहिएगा ओके

म टू गिव देम लाइफ टाइम कमिटमेंट सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है वाओ कमिटमेंट देने वाले है बोल के आ रहा है दो नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है वाओ टेम्परस सो बो द कार्ड यहाँ पे ठीक बता है बताते है बोध मेजाकना यहाँ पे आ चुका है थर्ड भी मेजा आकाना है डेथ बॉटम ऑफ द डेक वी हैव यही सामने था और आज यही यहाँ पे फिर से आया सेवन ऑफ पेंडिकल टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एरी स्कॉर्पियो सरियस एंड स्कॉर्पियो बाकी भी हम टेरोस को देखते हैं सो यू डोंट वरी कि साइंस नहीं आया तो क्या होगा इस तरह से कोई बात नहीं है फोर्टीन नंबर थर्टीन नंबर फोर्टीन ओके फोर एंड सेवन इज वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि डबल फोर ट्रिपल फोर सेवनटीन सेवनटीन सेवन सेवन ट्रिपल सेवन डबल फोर ट्रिपल फोर आप देखते हो ओके थर्टीन थर्टीन भी हो सकता है ना विद द सेवन ऑफ पेंडिकल्स इट द बॉटम ऑफ द डेक इसका मतलब ये है ये इंसान जो भी है आपके लाइफ में तभी आएंगे आ जब आप बहुत कुछ हो सकता है बहुत टाइम के बाद आप इस इंसान से मिल रहे हो मे बी यू आर गोइंग थ्रू एन एंड ऑफ और करियर और रिलेशनशिप और डिफोर्स और सेपरेशन और बैड ब्रेकअप कोई बैड ब्रेकअप से आप गुजर रहे हो आपने उस रिलेशनशिप में कुछ भी आपको आपको नहीं हासिल हुआ वो रिलेशनशिप इसी तरह से आपकी ज़िंदगी में एक लाइफ लेसन की तरह था और वो चला गया ठीक है एंड देन यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन और ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं लेकिन जब भी ये पर्सन आएंगे हो जाता है आपको थोड़ा सा समय लगे ये पर्सन जब भी आएंगे आपको कमिटमेंट देंगे और ये रिश्ता में मुझे लग रहा है आप दोनों का जो रिलेशनशिप होगा काफी ज्यादा बैलेंस्ड होगा यहाँ पे जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक रिलेशनशिप डेवलप करने में या उसको फाइनल ठीक है जिस तरह से आप बताते रहते हो कि बहुत समय से आप वेट करे हो आप बहुत समय से इसीलिए वेट कर रहे हो बिकॉज योर एनर्जीज आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड अभी एनर्जीज कैसे बैलेंस होते हैं थ्रू डिफरेंट मेथड हो सकता है पॉजिटिव थिंकिंग से हो सकता है आप अपने आप को डेवलप करने से हो सकता है पॉजिटिव माइंड सेट हो सकता है ठीक है कुछ स्टक uh, आप हो पास सिचुएशन पे उससे आप निकल रहे हो तभी हो सकता है हीलिंग के वजह से हो सकता है तो हमेशा मैं सोल्यूशंस ही प्रोवाइड करती हूँ इस रीडिंग पे यहाँ पे जो भी इंसान होंगे अगर ये मेल हुए तो मुझे लग रहा है दिस विल बी योर डिवाइन मैस्कुलिन की जहाँ पे इनका ब्रॉड शोल्डर्स हो सकते हैं और ये पर्सन हो सकता है फॉर सम ऑफ यू इनके स्टाइलिश हेयर स्टाइल्स हो ओके एंड डेफिनेटली मुझे इस तरह से लग रहा है काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन अपने फिटनेस फ्री हो जिम जाना ठीक है वॉक करना जॉगिंग में जाना ठीक है सुबह सुबह उठना रूटीन डाइट को फॉलो करना फैट फ्री फूड को खाना इस तरह से और अगर फीमेल भी है तो मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा रेविशिंग ब्यूटी मतलब ब्यूटी का जो एक बोल बोलते हैं ना इनर ग्लो ठीक है आउटर अपियरेंस काफी ज्यादा इनके जिस तरह से इनसाइड ब्यूटी भी होंगे आउटसाइड ब्यूटी भी आपको दिखाई देगा दिस इज योर सोलमेट कनेक्शन दिस इज डेफिनेटली 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 आर सोलमेट रिलेशनशिप ठीक है जहाँ पे मुझे लग रहा है आपके पर्सन काफी ज्यादा अगर फेमिनिन है तो काफ़ी ज्यादा सेडक्टिव हो सकते हैं सेक्शुअल हो सकते हैं काफ़ी ज्यादा उनके और उनका ग्लो उन देख के आप काफी ज्यादा उनके ऊपर जिस तरह से बोलते हैं ना हिप्नोटाइज हो जाओगे ठीक है आपको ये पर्सन छोड़ के और किसी का भी मतलब जो पिक्चर है वो सामने नहीं आएगा मतलब आप अपने पास्ट को इजीली भूल पाओगे इस पर्सन के वजह से दिस पर्सन कैन बी आई अगर इनके हम प्रोफेशन को देखें हो सकता है ये पर्सन टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हो या कोई पोस्टमार्टम सर्जन हो सकता है या आफ्टर डेथ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो काम करते हैं वहाँ पे हो सकता है इनका खुद का बिजनेस सेटअप हो सकता है ठीक है बहुत बड़े बिजनेस हो सकते हैं फाइनेंशियल बैकग्राउंड इनका काफ़ी अच्छा हो सकता है कम्युनिकेशन पे हो सकता है काफ़ी ज़्यादा हो सकता है दो तीन लैंग्वेजेस ये जानते हो काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंटली बात करते हैं मैं बोल नहीं रही हूँ इंग्लिश में जो भी भाषा है इनमें इनको काफ़ी ज़्यादा इन इनमें इनके अंदर वर्ड्स है ठीक है वर्ड्स को यूज करना सिनोनिम को यूज करना और ये पर्सन एक टीचर हो सकता है प्रोफेसर हो सकता है लीडर हो सकता है टीम लीडर ग्रुप को चलाते हो डायरेक्टर सी ऑफ द कंपनी ठीक है इट्स लाइक दैट और ये पर्सन जो भी है मुझे लग रहा है कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, गवर्नमेंट का भी जॉब इनके पास हो सकता है ठीक है लाइक फाइल्स को हैंडल करना डॉक्यूमेंट को हैंडल करना इस तरह से ये पर्सन फाइनेंस फील्ड में भी हो सकते हैं ऑल राइट और भी मुझे देखना है मैं एक एक करके देख लेती हूँ ये पर्सन का आइज़ बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव आइज किलर स्माइल स्माइल इनके काफी ज्यादा सुंदर हो सकता है और मुझे लग रहा है यहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी ज्यादा आप इस पर्सन से सीखोगे और ये पर्सन भी आपसे काफी ज्यादा सीखेंगे एंड ये पर्सन शायद पहले पहले दफा में आपको कमिटमेंट ना दे ठीक है और आपको एक्सप्रेस भी ना करे लेकिन धीरे 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 वो आपको एक्सप्रेस करते जाएंगे ओके okay? और ये पर्सन का नक्षत्र मूला नक्षत्र हो सकता है यहाँ पे रेवती नक्षत्र हो सकता है यहाँ पे पूर्वाशारा नक्षत्र हो सकता है एंड यहाँ पे मघा नक्षत्र हो सकता है ओके लेट मी सी और क्या है हु इज दिस पर्सन कौन आने वाले हैं आपके जिंदगी में वो इज गोइंग टू कम टूअर्स यू टू की वो फुल टर्म कमिटमेंट होके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द लॉयल हार्ट लॉयल हार्ट आ रहा है एम्पर आ रहा है इसका मतलब ये इंसान जो भी होंगे क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा ये मुझे लग रहा है अटैच्ड होंगे भले ही पर्सन एक्सप्रेस ना करे या हो सकता है कि ये आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत डिस्टेंस भी आ जाए लेकिन ये कभी भी आपसे जिस तरह से बोलता है ना दगाबाजी करना ये नहीं करेंगे अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट कर दिया है तो फुल एंड फाइनल ठीक है एंड मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए पर्सन एक नाइट पर्सन हो सकता है जहाँ पे रात के समय पे बहुत ज़्यादा जागते हो ऑफिशियल काम को हैंडल करते हो या ये हो सकता है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व भी करेंगे और आप भी इनके ऊपर स्टॉक करोगे ठीक है दोनों दोनों को स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहा है नेक्स्ट इज द एक्सचेंजिंग गिफ्ट हो सकता है कि यह पर्सन आपको काफी ज्यादा ट्वेंटी सेवन एंड थर्टी फाइव नंबर कैन बी इम्पोर्टेंट ये पर्सन देखो आपको कुछ ऑफर करते हुए दिखाई दे रहा है और आप उसको लेते हुए भी दिखाई दे रहे हो और जब आप इस को ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो आप बहुत ज्यादा खुश मिजाज में हो मे बी यू आर इन द योर डांसिंग लाइक हो सकता है कि आपको काफी ज्यादा अचीवमेंट्स मिले हो ठीक है काफी ज्यादा खुशखबरी मिल रहा हो इधर उधर से आप कहीं फंक्शंस अटेंड कर रहे हो उस दौरान भी मिल सकता है मतलब आपके मिजाज जो है ना काफी ज्यादा खुश मिजाज लग रहे हो आप जिस दौरान ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं नेवर एंडिंग स्टोरी ये आपके पास्ट भी हो सकता है थर्टी सेवन नंबर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट नेवर एंडिंग स्टोरी मतलब ये है कि इनके साथ आपका कनेक्शन कभी भी नहीं ब्रेक होगा भली सेपरेशन आ जाए मिसअंडरस्टैंडिंग हो ठीक है कन्फ्यूशन हो रिलेशनशिप में आप इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा टाइम भी इनके साथ बिताओगे और आपको काफी ज्यादा इस पर्सन का ख्याल आएगा जब ये पर्सन आपके साथ नहीं होंगे लेकिन ये जो स्टोरी है ना आपके पर्सन एंड कर पाएंगे ना आप एंड कर पाओगे बिकॉज दिस इज अ डिवाइन सोर्स ऑफ कनेक्शन ओके बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे देखो क्या है ऑब्जर्वर जिस तरह से मैंने आपको बताया था फोर्टी नाइन नंबर इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो यहाँ पे ये पर्सन आपको दूर से एट ए डिस्टेंस ये पर्सन आपको वॉच करेंगे क्योंकि इनको थोड़ा सा इनका हो सकता है माइंड जो है थोड़ा सा इन्वेस्टिगेटिव माइंड हो जहाँ पे ये खुश नहीं होते लाइक जेम्स बॉन्ड माइंड ये खुश नहीं होना एनालिसिस करना सिचुएशन को समझने की कोशिश करना बारीकी से देखना स्कैनिंग करना ठीक है इस तरह से हो सकता है इंसान ओके ये पर्सन कोई भी रिसर्चर हो सकता है एक्सप्लोरर हो सकता है ट्रैवलर हो सकता है या हो सकता है ये पर्सन डांसर हो आर्किटेक्ट हो बिल्डर हो इस तरह से मुझे लग रहा है ओके okay. फिर से मुझे यहां से भी देखना है अच्छा और uh, पर्सन right. uh, के साथ आपका केमिस्ट्री कैसा रहेगा हाल विद केमिस्ट्री विद दिस पर्सन इनके साथ आपका केमिस्ट्री कैसा रहेगा वाव द रेनबो रिवाइवर वी हैव द रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बोथ द कार्ड्स अभी तक मुझे दिख रहा है ये पर्सन जब आपके जिंदगी में आएंगे हो सकता है ये पर्सन आपके एक्स हो या पास्ट से जुड़े हुए हो या इनके साथ आपका मिसअंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग जब भी क्रिएट होगा लेकिन वो सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है देखो दिस इज अ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट ये पर्सन आपको मनाएंगे आप भी इनको मनाओगे ठीक है देर विल बी एम्पैथी देर विल बी कम्पेशन कनेक्शन अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बोथ विल अंडरस्टैंड ईच अदर भले ही थोड़े टाइम के लिए खफा हो जाए लेकिन ये आपको समझेंगे बहुत ज्यादा आप इनको जिस तरह से प्यार करोगे ना दिल से दिल का कनेक्शन देखो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन स्पिरिट टू स्पिरिट कनेक्शन ठीक है द रेनबो रिवाइवर ये हो सकता है कि आपके पर्सन और आप सेम रेनबो ट्राइब से हो मतलब सेम सोल फैमिली से बिलोंग करते हो और ये पर्सन और ये मुझे लग रहा है अगर फीमेल के लिए देख रहे हो तो शॉर्ट हेयर हो सकता है इट्स नॉट नेसेसरी बट हो सकता है ओके okay? या ये कर्ली हेयर रखते हो या स्टाइल्स करते हो बालों का हेयर स्टाइलिस्ट भी हो सकता है ये इंसान जो भी है ठीक है ये पर्सन आपकी लाइफ में आने से आपको जिस तरह से हमें क्या होता है सैंडल्स पहनने से इस तरह का देखो हील पहनने से हमें तकलीफ होता है लेकिन सैंडल पहनने से हमें क्या होता है थोड़ा सा आराम आता है राइट जिस तरह से हम अपने घर में घूमते हैं विद द स्लिपर्स एंड फ्लिप फ्लॉप्स तो हमें बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होता ना हमें कंफर्ट देता है वह जिस टाइम पे फीमेल जो भी है है बूट्स हम पहनते हैं, जो भी है, तो उसमें क्या होता है हमें बहुत ज़्यादा हमारा पैर को टाइट रख देता है तो हम रिलैक्स नहीं हो पाते लेकिन ये पर्सन आने से आपके लाइफ में वो रिलैक्सेशन आपको मिलेगा ठीक है कम्फर्ट आपको मिलेगा वर्द तो ये पर्सन आपके लायक होंगे डिजर्विंग होंगे आप इस पर्सन के और ये पर्सन तभी आपके साथ कनेक्शन पे आ रहे हैं जब आप अपने वजूद को समझ रहे हो जब आप अपने आप को डिस्कवर कर पा रहे हो कि कितना हकदार आप हो एक बेस्ट रिलेशनशिप के लिए देन दिस पर्सन इज कमिंग यू, ओके नाउ लेट मी सी मोर कि इस पर्सन का और नेचर क्या है आपका एनर्जी थोड़ा देख लेते हैं वट इज़ योर एनर्जी आपका एनर्जी क्या है

तरफ कोई कमिटमेंट रिलेशन कमिटेड रिलेशनशिप आने का तब भी आप मतलब इतना दिल धक धक करना शुरू कर देता है आप एक रोमांटिक प्रपोजल का भी ही वेट कर रहे हो एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप एक जर्नी पे जाना चाहते हो एक नई जर्नी आप अपने पर्सन के साथ शुरुआत करना चाहते हो आप सारी तकलीफों से रिलीफ मिलना है आपको और यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप अपने इस तरह से सीने को इस तरह से आप रख रहे हो मतलब कोई तो आ जाए कोई तो मुझे कमिटमेंट दे दे कोई तो मुझे बहुत ज़्यादा रोमांटिक डेट्स में लेके जाए मैं बहुत ज़्यादा खुश रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ अब चाहे तो मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी रेडी हूँ बट आई वॉन्ट द रिलेशनशिप एट एनी कॉस्ट ठीक है आप चाहते हो कोई भी एक कन्फर्म रिलेशनशिप आपके तरफ आ जाए ठीक है मैसेज आ जाए कॉल आ जाए टेक्स्ट आ जाए ठीक है और मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा यूथफुल एनर्जी में ही रहते हो आप ठीक है चाहे जितना भी आपका एज हो ड नॉट मैटर एंड uh, लेकिन आपको अपना पास्ट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है आप अपने पास्ट सिचुएशन में और नहीं जाना चाहते हो ठीक है कुछ लोगों के लिए है कि यस दे आर वेटिंग फॉर अ न्यू कनेक्शन कुछ लोगों के लिए है कि नहीं यू वांट द पास्ट पर्सन टू कम बैक यहाँ पे दो तरह का एनर्जी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों को नहीं चाहिए पास्ट बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि आप इतना खफा हो गए हो और कुछ लोगों के लिए यू आर जस्ट वेटिंग फॉर योर पास्ट पर्सन टू कॉल यू बैक ठीक है तो वही रिलेशनशिप वही रोमांस रि वही पैशनेट कनेक्शन यू डिजर्व दैट आप फील कर दो तो कि आप सबसे ज्यादा हकदार भी हो क्यूँ आप हकदार नहीं हो ठीक है आपके पास क्यों रोमांटिक कनेक्शन नहीं आ रहे हैं इस वक्त मतलब थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है और पॉजिटिव माइंड भी है कि यस समवन इज देयर फॉर मी ठीक है और आपको लग लग भी रहा हो सकता है कि प्रेजेंट सिचुएशन पे कि आपके साथ ही लव रिलेशनशिप में ये ट्रायल एंड एरर क्यों होता है क्यों आप लोग इतना ज़्यादा आपके जब लव लाइफ होता है रिलेशनशिप होता है क्यों इतना ज़्यादा जा, कि आप लोग के पास क्यों झंझट आ जाता है कोई लोगों के साथ तो ऐसा नहीं होता आपके साथ क्यों ट्रायल एंड एरर होता है मतलब आपके कमिटमेंट को आपके कमिटमेंट लेवल जो है ना उसको क्यों टेस्ट किया जाता है सो दिस यू फील लो लेट मी सी मोर अबाउट योर पर्सन Who uh, is this person? Okay. Who is this person? Who is this person? So we have the Ten of Wands, Aries, Leo, and Sagittarius. We have the Fool, Wow, Aquarius. And we have the Five of Cups. And bottom of the deck, we have the Ace of Pentacles. एरीज लियोटेरियस वी है कैंसरपियो एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन था ये पर्सन काफी ज्यादा मेहनती है और ये पर्सन रिस्क लेना चाहते हैं चाहे रिस्क उनके लाइफ से जुड़े हुए क्यों ना हो ये एडवेंचरस पर्सन भी है ठीक है तो सब कुछ चीज को एंजॉय करना चाहते हैं नेचर को एन्जॉय करना चाहते हैं लग्जरी को इन्जॉय करना चाहते हैं इसलिए ये पर्सन दिन रात मेहनत करते हैं कोई नई करियर का तलाश कर रहे होंगे या आप जब मिल रहे होंगे तब आप ये पर्सन कोई नई करियर का शुरुआत कर रहे होंगे या आप भी हो सकते हो या अपने पास सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं हो सकता है इनके लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा बिट्रेल हुआ हो ठीक है और इनको लगता है कि क्या रिलेशन हो पाएगा कभी भी तो इनका भी फीलिंग इस तरह से है बट ये डेफिनेटली आपके तरफ एक प्रोपोजल हो के एक कमिटमेंट डेफिनेटली ये पर्सन देना चाहेंगे चैनलाइज हो रहा है फिर भी हम देखेंगे थोड़ा बहुत देख लेते हैं इनिशियते से से। so, जिस तरह से रून आ रहा है एक जर्नी एक ट्रैवल डिफरेंट एग्जॉटिक प्लेसेस में हो सकता है कि आप इनके साथ ट्रैवल करो देखो दिस इज द हीलिंग हीलिंग रिलेशनशिप ठीक है डेफिनेटली आप इनको हील करोगे ये आपको हील करने वाले हैं ओके सो देर इज अ न्यू फेज ऑफ लाइफ यहाँ पे देखो जर्नी बोलते ही यहाँ पे फ्लाइट आ रहा है मे बी आप दोनों के जहाँ पे भी रेसिडेंस हो हो सकता है फ्लाइट ट्रैवल हो या ये पर्सन बहुत द फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं सो टावर मे बी भी रीबिल्ड कनेक्शन ठीक है so, tower, हो सकता है रिन्यूअल हो रहा है कनेक्शन में फिर से शुरुआत हो रहा है फिर से इमारत आप बना रहे हो मे बी ये पर्सन हो सकता है अपना फीलिंग्स को हाइड करे यहाँ पे एक बू है सो यह पर्सन हो सकता है कि देखो सिमिलर सिचुएशन बोथ ऑफ यू अ ट्विन लाइक दिस यहाँ पे देखो डिजाइनर ये पर्सन एक डिजाइनर हो सकता है ये पर्सन इयर भी हो सकता है कि आपको गिफ्ट करे ओके सो दिस इज अ एंजल कनेक्शन ये जो हार्ट है और एंजल विंग्स है तो दिस कनेक्शन इज गाइडेड बाय एंजल्स ठीक है और यहाँ पे है वाओ क्यूट बेबी सो यू विल हैव अ बेबी विद दिस पर्सन इट्स और ये पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा क्यूट हो ठीक है ओके okay, इनके आईज बहुत ज़्यादा सुंदर होंगे अगर फीमेल है तो इस तरह से एक्सप्रेसिव आईज़ हो सकते हैं इनके डार्क कलर का लिपस्टिक्स हो सकता है यूज़ करें अगर फीमेल है तो ओके और राइट अभी हम देखते हैं इनिशियल्स क्या क्या आ रहा है यहाँ पे सो दिस इज ई दिस इज एस यूरोपियन कंट्री से हो सकता है कोई भी यूरोप का कंट्री से अगर ओवरसीज कनेक्शन है तो ओके एस डी क्यू एस सी जी पी एफ डब्ल्यू या आपके या उस पर्सन के फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम या निक नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है ओके ऑल राइट Hmm. so uh, this is uh, what i can say is that i hope you like it and if you like please do subscribe share and do comment in the comment section till then take care of yourself and keep watching divinity terror 6 where always exposes darkness thank you guys and love you a lot